For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इन दिनों सभी सलमान खान के अगले प्रोजेक्ट दबंग 3 की चर्चा कर रहे हैं। जी हां, अरबाज खान ने खुद अनाउंस किया था कि फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप करने के बाद सलमान सीधे दबंग 3 की शूटिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो इसी अप्रैल से शुरू होगी। ये फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली है और अब जब भी दबंग फ्रेंचाइज की चर्चा होती है तो फिल्म में मलाइका अरोड़ा के आइटम नंबर तो सभी को याद आ जाता है। जी हाँ, सलमान की एक्स भाभी दबंग फ्रेंचाइज का अहम हिस्सा रह चुकी हैं और उनका आइटम नंबर एक चार्ट बस्टर था। पर इस बार सलमान मलाइका और अर्जुन कपूर की शादी की चर्चा से काफ़ी नाराज़ हैं और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि मलाइका के लिए दबंग 3 में कोई जगह नहीं होगी और उनकी जगह सलमान ने अपनी गुड फ्रेंड कटरीना कैफ को इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग का ऑफर दिया है। तो इस तरह चिकनी चमेली ने दबंग फ्रेंचाइज में कदम रखा है और मुन्नी को दरवाजे का रास्ता दिखाया गया। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। जोया अख्तर की आने वाली फिल्म गली बॉय वाकई में ट्रेंडिंग है और जब से मेकर्स ने इस फिल्म के पहले गाने को अनवेल किया तब से ही वो एक पार्टी स्टॉपर बन गया। जी हाँ, हम सबको एनर्जेटिक रैप अपना टाइम आएगा तो याद ही होगा, जो कि सभी म्यूजिक चार्ट्स पर राज कर रहा है। और अब मेकर्स ने एक और मार्वल को किया है अनवेल। हम बात कर रहे हैं ट्रूली एंटरटेनिंग गाने मेरी गली में की। इस गाने का हाईलाइट है रणवीर सिंह और रैपर नेजी की कंबाइंड प्रेजेंस और एनर्जी, और इस गाने से हमें आने वाली फिल्म गली बॉय की एक और झलक मिलती है। 14 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म गली बॉय में टैलेंटेड डुओ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। और अब मेरी गली में गाने को सुनने के बाद हमें अब मेकर्स की ओर से ऐसी और डिलाइटफुल ट्रीट्स का इंतजार रहेगा, है ना? दीप
सुखवीर वेडिंग एक अमेजिंग अफेयर रहा और सभी इन दोनों की चर्चा करते नहीं थकते। जी हाँ, हालांकि इन दोनों की शादी को 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी सभी दीपिका और रणवीर को लेकर क्यूरियस हैं। मगर सवालों की लिस्ट में सबसे ऊपर एक ही सवाल है कि आखिर शादी के बाद रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण के घर में क्यों शिफ्ट हो गए। वेल, इस बात पर खुलासा करते हुए रणवीर ने कहा कि उनके लिए शादी एक कमिटमेंट है, कोई ऑप्शन नहीं, और वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी दीपिका को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, इसलिए वो खुद डिप्पी के घर शिफ्ट हो गए। वाओ, अब यही एक आइडियल पति की पहचान है और दीपिका वाकई में लकी है कि उन्हें ऐसा अंडरस्टैंडिंग हबी मिला है ना। बच्चन सिबलिंग्स अभिषेक और श्वेता करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण 6 पर मेहमान बनकर गए और यहां इन दोनों ने कई टॉपिक्स पर चर्चा भी की, जहां श्वेता ने सबके सामने ये रिवील कर दिया कि अभिषेक अपनी पत्नी से डरते हैं। अभी ने ये रिवील किया कि श्वेता को किस खास खान पर क्रश था। वेल, शो के दौरान केजो ने श्वेता और उनकी भाभी ऐश के बीच के कोल्ड वाइब्स पर जानकारी पाने के लिए श्वेता से पूछा कि वो अपनी भाभी ऐश्वर्या की कौन सी बातों को लाइक करती है, कौन सी बातों को टॉलरेट करती है और कौन सी बातों को हेट करती है। तो श्वेता ने कहा कि उन्हें ये अच्छा लगता है कि ऐश एक सेल्फ मेड वुमन है और एक फैंटास्टिक माँ है। श्वेता ने आगे कहा कि वो ऐश्वर्या के टाइम मैनेजमेंट क्वालिटीज को टॉलरेट करती है, मगर वो इस बात को हेट करती हैं कि ऐश कभी भी फोन नहीं उठाती, ना ही वो किसी के फोन कॉल को रिटर्न करती है। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान और कटरीना कैफ की आने वाली फिल्म भारत अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और पूरी टीम अब मुंबई के एक लीडिंग स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, जहां सभी काफी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में हमने आपके साथ स्टूडियो पर बनाए गए एक खास जिम की पिक्स शेयर की थी, जहां सलमान और उनकी टीम वर्कआउट करती है और फिर हमने सलमान को शॉट्स के बीच में क्रिकेट खेलते हुए भी देखा। और अब हम देख सकते हैं कि कैट ने भी सेट से लंच ब्रेक की एक पिक शेयर की है। यहाँ कैट ने एक ट्रेडिशनल साड़ी पहन रखी है और वो सुनील ग्रोवर और बाकी कोस्टार्स के साथ लंच एंजॉय कर रही हैं। अब हालांकि सलमान इस पिक में कहीं नजर नहीं आए, फिर भी हमें यकीन है कि वो आसपास ही होंगे, क्योंकि वो सेट्स छोड़कर नहीं जाते। वेल, तो फिल्म भारत के बिहाइंड द सीन पिक्स के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। करण जौहर ने भाई बहन की जोड़ी श्वेता और अभिषेक बच्चन के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी, जब उन्होंने श्वेता से कुछ स्टार्स को अपनी हॉटनेस के हिसाब से रैंक करने को कहा। और गेस व्हाट, श्वेता ने सलमान को हॉटेस्ट स्टार की रैंकिंग दी। अब ये देखते ही केजो ने तुरंत उनसे पूछा कि क्या सलमान उनका चाइल्डहुड क्रश रहा। वेल, ये सवाल सुनते ही भाई अभिषेक ने कहा नहीं, वो तो आमिर था, मगर श्वेता ने कंफर्म कर दिया कि सच में उनका चाइल्डहुड क्रश सलमान ही था। श्वेता ने अपने बचपन का एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए कहा कि जब मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी तो वो बोर्डिंग स्कूल में थी और उन्होंने ये फिल्म VCR पर देखी थी और इस फिल्म का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो इसे बाद में भी एंजॉय कर सके। श्वेता ने ये भी कहा कि फिल्म का वो फ्रेंड्स कैप भी उन्हें बेहद पसंद था। अब श्वेता को अपनी भाभी ऐश्वर्या के एक्स की तारीफ करता देखकर अभिषेक काफी ग्रंपी और नाराज नजर आए। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान और कटरीना की आने वाली फिल्म भारत के टीजर को अनवेल होने में एक हफ्ते से भी कम रह गया है और ऐसे में सभी इस अनयूजुअल कहानी की पहली झलक देखने के लिए बेताब हो रहे हैं। वेल, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इस फिल्म का टीजर 90 सेकंड्स का होगा, जो कि कई टीजर से काफी ज्यादा लंबा है। इससे एक बात तो साफ है कि इस फिल्म की ड्यूरेशन भी काफी लेंथी होगी और अब हम सोच रहे थे कि आखिर इन 90 सेकंड्स में क्या होगा। तो अब एक सूत्र ने ये रिवील किया है कि ये टीजर सलमान खान की बाकी फिल्मों से काफी अलग होगा और ये व्यूअर्स के इमोशंस पर प्ले करेगा। इतना ही नहीं, इस टीजर से सभी के मन में देशभक्ति का भाव उमड़ेगा और ये उनके यूजुअल फिस्ट पंपिंग एक्शन जैसा नहीं होगा।
इस टीजर से एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही अपनी फिल्म के वाइब और थीम को दर्शाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एक्शन सीन्स को सिर्फ मॉन्टेजेस की तरह ही रखा है। वेल, अब ये खबर सुनकर हम इस टीजर को लॉन्च होते ही देखना चाहते हैं। और आप